मेरे साथ दो टीमें जो है वो हमारे साथ बैठी हुई है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे राइट पे फहद, मुअज्जम और उमर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मंगोलियन डर्बी रेस, जो कि सबसे बड़ी रेस है दुनिया की, 1,000 किलोमीटर, उसमें ये लोग गए हैं और उधर जाके इन्होंने जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया और दे गॉट द मेडल्स, और उनको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी था। तो मैं इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ हमारी जो स्ट्रीट फुटबॉल की टीम है, अगर आप देखें तो ये लोग भी हमारे साथ है। इन लोगों ने भी सिल्वर मेडल्स जो है वो अचीव किए हैं टूर्नामेंट में। सो आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। आज बेसिकली मकसद बुलाने का ये था कि हम लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने हीरोज को रिकॉग्नाइज करें। इवन के फॉर मी इट वॉज द फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन आई केम टू नो, जिस तरीके से 1,000 किलोमीटर जो डर्बी हुई है मंगोलिया में, और जिस तरीके से जाके, जिस मेहनत से और जिस लगन से, और आई थिंक इट इज अ ग्रेट स्टोरी टू लिसन फ्रॉम दीज गाइज, अ प्योर स्टोरी ऑफ हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। और सिर्फ अपने आप को, अपने मिशन को और पाकिस्तान का नाम ऊपर करने के लिए, नाम रोशन करने के लिए और पूरी दुनिया में उसका नाम करने के लिए जिस तरीके से इन लोगों ने मेहनत किया, आई थिंक हैट्स ऑफ टू दीज गाइज एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर एज वेल। और इसी तरीके से हमारी स्ट्रीट फुटबॉल, आई नो आप सारे जानते हैं कि जो फुटबॉल है वो सबके लिए अब एक नई गेम है, पैशन है और पूरी दुनिया में खेली जाती है। मुझे खुद बहुत पसंद है। मैंने अभी इनके कोच को यही कहा कि मुझे भी इस टीम में ले ले उधर से तो रिटायर हो गया मैं क्रिकेट से। तो ऑल्सो द वे दीज गाइज हैव पुट दैट हार्ड वर्क, क्योंकि पाकिस्तान को मैं हमेशा ये चीज बात कहता हूँ कि हमारे पास रिसोर्सेज बड़े कम है, हम लोग प्योरली टैलेंट बेस्ड है। और अगर वेन इट कम्स टू के सिस्टम, आई थिंक वो सिस्टम क्रिएट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इंशाल्लाह हम आज इन लोगों की भी हौसला अफजाई करेंगे और इन लोगों की भी हौसला अफजाई करेंगे, जिसके लिए हम इन लोगों को जो है ऑब्वियसली बुलाया इनको यहाँ पे। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फर्दर फ्यूचर में हम लोग इनके साथ चले और इन लोगों को अकोमोडेट करें, और जिधर इनको पंजाब हुकूमत की जरूरत हो, पंजाब हुकूमत इनके साथ खड़ी हो और इनकी मदद करें।